आपका धन्यवाद। मैंने इतना धार्मिक मंच पे कभी नहीं बैठी और इतना पावरफुल मंच मैंने कभी देखा नहीं, तो मुझे लगता है कि भारत की सुरक्षा तो पक्की है। पीछे से सब आर्मी के लोग बैठे हैं, आगे से सब धर्म को पकड़ के बिठाने वाले लोग बैठे हैं जो हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को सुधार करते हैं, और साथ में हमारे पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, हमारे दो, एक तो हमारे यहाँ हम जिनके मेहमान हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी से स्टेट के धूमल साहब चले गए, मेरे साथी हमारे डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हैं, कमी तो कुछ रह नहीं गई। और इतने अच्छे भाषण सबने करे कि मुझ में तो एक तरह से उत्साह आ गया। आपको अभी बताया कि जब मेरे पास ये मैसेज आया इंद्रेश जी का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बिठाया। मुझे इंद्रेश जी का जब मैसेज आया कि ये ऐसी कार्यक्रम है, लोग आपसे मिलने आने वाले हैं, तो मैंने एक दो सवाल पूछे कि मुझे क्यों बुलाया, कि नहीं नहीं आप समझदार हैं, मैंने कहा ठीक है। फिर कहा संघ में ये तय हुआ, मैंने कहा संघ में किसने तय किया, तो कहा सर संचालक जी भागवत जी ने किया, तो मैंने कहा फिर ठीक है, इसलिए कि भागवत जी का मेरा एक और रिश्ता है, मैं जूलॉजिस्ट हूँ और वो एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर हैं, तो हम दोनों का एक बड़ा अच्छा समन्वय है, तो मैंने कहा भागवत जी ने हुक्म दिया तो जाना ही पड़ेगा, कुछ सवाल नहीं। पहली बात ये कि इतने अच्छे भाषण हुए, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे कल आना था, मगर माफी मांगने से पहले मैं सारी बहनों को मुबारकबाद देती हूँ आपके जरिए, पूरे देश की बहनों को, कि एक ऐतिहासिक निर्णय कल पार्लियामेंट में हुआ। मुझे विप था पार्टी का, मतलब कोड़ा नहीं कहते हैं उसको मारने वाला, मगर विप ही कहलाता है, हम लोग हिल नहीं सकते अपनी जगह से, वोट करना होता है। और दूसरे मैं सारे भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे मंच पे तो ज्यादातर भाई बैठे हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में हम लोगों को सत्ता में भागीदारी दी, उनका भी मैं धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को, महिलाओं की, इस बात को समझा। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि भागवत जी ने जो एक बात यहाँ कही कि घर में जब तक हम अपनी महिला को सुरक्षा नहीं देंगे, उसे सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे, तो हम देश की सुरक्षा की बात नहीं कर सकते। कल जब मैं बात कर रही थी, मैंने कहा शायद भारत एक ऐसा देश है, दुनिया में एक अकेला देश है कि जहां कभी फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं हुआ, महिलाओं ने कोई आंदोलन नहीं किया, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो हमारे महर्षि कर्वे हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर हो, पुरुषों ने महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा और उनके हितों की, उनकी पूर्ति करने के लिए सबसे ज्यादा कदम उठाए। मैं अब ऐसे भाइयों को, ऐसे महापुरुषों को मेरा सत सत सलाम। यहां सुरक्षा की बात हो रही है, ठीक बात है, हमारी फौजों के जवान हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं हमारी सरहदों पे। मैं कभी कभी इकबाल का शेर जो उन्होंने हिमालय के लिए लिखा है, हम बड़े शौक से, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलसिता हमारा, दामन में खेलती हैं जिसको हजारों नदियां, हिमालय पहाड़ को उन्होंने बताया कि वो पासबां हमारा। मगर आज जब बात सुनी, धूमल साहब ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, आज हिमालय का हृदय भी जख्मी है, उधर ही से खतरा है। मैं सोचती थी, किसी ने मुझसे एक बार पूछा फॉरेन में कि भारत के नेबर्स में सबसे ज्यादा दोस्त कैसा है, मैंने कहा हमारे नेबरहुड में तो खाली समुद्र ही हमारा दोस्त है और कोई हमारा दोस्त नहीं है, इधर बांग्लादेश, उधर पाकिस्तान, इधर नेपाल का प्रॉब्लम, चाइना की तकलीफ, उधर श्रीलंका में कुछ हो रहा है। मैंने कहा कि सुनामी आने के बाद समुद्र से भी डर लगने लगा कि वो भी हमारा नहीं रहा।
सुरक्षा घर से शुरू होती है, सुरक्षा बाहर से नहीं होती। और ये जो आपने यहाँ स्लोगन लगाया है, ये शायद यहाँ लगाया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम अपने नागरिकों को इस काबिल बना लेंगे, इतना मजबूत बना लेंगे कि वो अपने अंदर छुपे हुए दुश्मनों को पहचान लें, तभी मैं समझती हूँ कि हमारी सुरक्षा मजबूत होगी। क्योंकि हमें बाहर से खतरा भी है, उसकी रक्षा तो हमारे सेनाएं करती हैं, मगर जो खतरा हमें देश के अंदर छुपे हुए दुश्मनों से है, उनसे हमें निपटना है। और जब तक ये बात, जब फिन में हम बात कर रहे थे, जब हम ये बात कर रहे थे फिन के ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे, तो जब भी ये बात हमने वहां चर्चा किया था कि किस तरह से ये आंदोलन फिन का हम नीचे तक पहुंचा सकते हैं कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ जुड़ें। भागवत जी ने भी यही बात कही है कि हम इस मैसेज को एक जागृति के रूप में अगर देश में फैलाएंगे तो मुझे लगता है कि जो कार्य आपने उठाया है उसमें सफलता होगी। मेरा तो आतंकवाद से पता नहीं कैसा रिश्ता है, ये जितनी दूर कैमरा रखे हैं, पार्लियामेंट में जब आए थे आतंकवादी तो जितनी दूर कैमरा है इतनी दूर 30 किलो आरडीएक्स रखा था, और मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता था, कोई भी आए कोई भी जाए। जब उसने आके, मार्शल ने दरवाजा बंद किया कि आतंकवादी आ गए, तो मैंने कहा चलो अब फंसे इधर, पता नहीं कितनी देर रहना पड़ेगा, क्या होगा, चाय पी लेते हैं। शांति से मैं बैठी रही कमरे में। फिर उस वक्त मेरे दिल, जब टीवी क्लोज सर्किट टीवी पे मैंने देखा कि जो सुरक्षा कर्मी जिसके पास हथियार नहीं थे, खाली एक वॉकी टॉकी थी, उसका नाम यादव था, 17 साल से मेरे साथ था, उसको जब 11 नंबर के पार्लियामेंट के गेट के ऊपर गोली लगी और उसका खून बहा, तब मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे लगा, मेरे दिल को लगा, मैंने आंकड़े नहीं गिने जब, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले इंसान को की जान गई। तो ये सोचिए कि जिनकी जान जाती है, जो बंबई में मारे गए, जो पुणे में मारे गए, जो जगह जगह मारे जाते हैं, हम खाली अखबार में आंकड़े पढ़ लेते हैं, जब हमारा कोई होता है तब हमारे दिल को तकलीफ होती। मेरी बेटी काम करती थी, स्वामी जी, मेरी बेटी काम करती थी अमेरिका में, वो बिल्डिंग में ट्विन टावर में 37th फ्लोर पर उसका ऑफिस था, और जब ऊपर वाले की मेहरबानी थी, बचाना था, वो ठीक टाइम पे ऑफिस जाती है। उस दिन उसकी स्कर्ट में कुछ निशान लग गया था तो वो बदलने के लिए अपने घर गई, वो सिर्फ 5 मिनट लेट हुई, नीचे खड़ी थी तो बिल्डिंग आके, दूसरी वाली बिल्डिंग के ऊपर प्लेन उसके सामने आके गिरा, और बिल्डिंग के अंदर से लाशें गिरने लगी, आग लग गई। आप सोचिए, मैं एक ऐसी जगह में थी जिसका नाम है बुर्किना फासो, बहुत से लोगों ने सुना होगा, किसने भी नहीं सुना होगा, सब सहारन फ्रेंकोफोन अफ्रीकन कंट्री, जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है कि एक बार दिन में एक प्लेन पेरिस जाता है। सोचिए कि मेरे ऊपर क्या हालत होगी, 2000 डेलीगेट्स मुझे संभालने थे पूरी दुनिया से आए हुए आईपीयू के, और मेरा दिल रो रहा था 2 घंटे तक, जब तक कि मुझे पता नहीं लगा कि लड़की जीवित है, मैंने ये भी नहीं पूछा कि चोट लगी है कि नहीं, तब तक मुझे लगा कि मैं जिंदा नहीं हूं, कहीं कहां एक बार नहीं। टर्की में मैं जा रही थी, मुझसे जितनी दूर वो दरवाजा है वहां बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ, कितनी लाशें निकल के गई, तो मैंने अपनी आंख से आतंकवाद को देखा है, मुझे मालूम है। बंबई के वाकये में मेरी ननद की लड़की फंसी हुई थी, मेरी दोस्त के बच्चे फंसे थे, कितनी मुश्किल से सारी रात जाग के टेलीफोन करके उनको वहां से निकाला। तो जिन पे पड़ती है उनको पता रहता है, ये सिर्फ हमारी सीमाओं की सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये हमारे अंदर छुपे हुए जो लोग हैं, जो जिहाद का नाम लेके, धर्म का नाम लेके हम लोगों में आतंक फैलाते हैं, मैं उनको जिन सख्त से सख्त अल्फाज में उनकी निंदा करूं,
और ये कहूं कि जिहाद करना है अपने अपने आप से, अपनी गलतियों से। इनोसेंट लोगों को मारने का नाम जिहाद नहीं होता, ये जुल्म होता है। और ये हिंदुस्तान, भागवत जी ने ठीक कहा कि कुछ बात है जो ऐसी कि हमारी हस्ती नहीं मिटती। इस देश के लोगों ने अपनी जमीन से एक इंच भी बाहर निकल के किसी दूसरे देश की जमीन पे कब्जा नहीं किया, कभी हिस्ट्री में नहीं किया। हाँ, हमारा कल्चर, हमारी इथॉस, हमारा धर्म, वो सब हमने अपनी सरहदों के बाहर किया है। हमने लोगों के दिल जीते हैं, उनकी जमीनें नहीं जीती हैं। मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, इस पे काफी बातचीत हो सकती है, मगर और भी यहाँ वक्ता है बोलने के लिए। और यहाँ बोलने का सवाल नहीं है, काम करने का समय आ गया है। मेरी तरफ से इंद्रेश जी को और फिन के सारे साथियों को, मैं आपको साथी बोल सकती हूँ ना, ठीक है? तो मेरे सब साथियों को, मैं फौज में तो नहीं थी मगर इन्होंने मुझे कमीशन दे दिया है ऑनरेडी, तो मैं इनके साथ हूँ। जो भी कुछ आपको कभी भी करना होगा मैं आपके साथ हूँ। वो वहाँ गंगा की आरती हो रही है, मुझे वहाँ जाना है, तो आपसे इजाजत लेती हूँ। ये गंगा की गोद में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये ऐसे ही विशाल रहे, इसका दिल भी इतना बढ़े कि पूरे देश के लोग इससे सैराब हों।